वेलकम फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग सरल इंग्लिश गुरु आई स्टेप टुवर्ड्स इंग्लिश वर्ड। हमारे साथ सीखिए बहुत ही आसान तरीके से इंग्लिश। दिस इज सुरेश मर। और फ्रेंड्स, अपने नोटबुक पेन कॉपी निकाल करके कुछ नया सीखने के लिए तैयार हो जाइए। और आज हमारे सेंटेंसेस बनाएंगे हम पास्ट कंटिन्यूस के सेंटेंसेस के साथ में। हमने जो पिछले वीडियोज में पढ़े हैं, हमने पास्ट कंटिन्यूस के सेंटेंसेस वाज और आईएनजी के साथ जो यूज किए हैं, आज हम बनाएंगे इंटरोगेटिव, नेगेटिव और डब्ल्यूएच क्वेश्चंस फ्रेम करेंगे। हम नेगेटिव, इंटरोगेटिव और जिस तरह से हमने पहले हमारे हर वीडियो, हर सेंटेंसेस, हर पैटर्न में हमने नेगेटिव, इंटरोगेटिव कुछ क्वेश्चन बनाना देखा है, क्योंकि हमारे जीवन में हमें क्वेश्चंस बनाना, नेगेटिव बनाना, इंटरोगेटिव बनाना बहुत जरूरी होता है। तो हमें आपको याद रखना है कि वाजवर्क और आईएनजी का यूज आपको नेगेटिव, इंटरोगेटिव किसी भी तरह के क्वेश्चन में जरूरी यूज करना है। आपको वाजवर्क और आईएनजी का यूज करना ही होगा। तो ये सेंटेंसेस हम देखते हैं, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डब्ल्यूएच हम आगे किस तरह से बनाते हैं, जैसे हमने पहले बनाया। तो फ्रेंड्स, आपने फॉर्मूला हमारे पिछले वीडियोज में नोट किया है पास्ट कंटिन्यूस का, उसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं और आज हम उसके आगे का सेंटेंसेस नेगेटिव, इंटरोगेटिव बनाना सीखते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर सबसे पहले ध्यान से देखिए कि हमने बताया है आपको, बैठा था, खड़े थे, लेटा था, सोया था, पहनी थी, लटकी थी, लटका था, छिपा था, पड़ा था, पड़ी थी, इस तरह के सेंटेंसेस पास्ट कॉन्टिन्यूस ही होंगे, क्योंकि ये घटना उस समय जारी है। जिस तरह की पहचान हमने हमारे पिछले वीडियोज के साथ देखी है और हमें आईएनजी का यूज इन सेंटेंसेस के साथ जरूर करना होगा। तो फ्रेंड्स, हम इस तरह के सेंटेंसेस चलिए बनाते हैं और हम देखेंगे कि हमारे सेंटेंसेस किस तरह से होंगे और हमें इस तरह के ध्यान को क्यों या से रखते हुए आगे बढ़ता है। तो चलिए, आप पास्ट कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं, वाज वर्ब के साथ हमें आईएनजी का यूज करना है और आपके स्क्रीन पर जो पहला सेंटेंस देख रहे हैं, अरुण झूठ बोल रहा था, तो आपको आईएनजी का नियम ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, आई ई जो आईएनजी लगाते समय बाइक में कन्वर्ट हो जाएगा, अरुण वाज लाइंग, तो हमें आईई का यूज हटाते हुए करना है, वाई लगा करके करना है। अरुण वाज लाइंग, अरुण वाज नॉट लाइंग नेगेटिव बनाते हुए देखिए, हमने कलर कोड से हर तरह से आपको अलग अलग दिखाने की कोशिश कर रही है कि अरुण वाज नॉट लाइंग, वाज अरुण लाइंग, हम पूछ रहे हैं क्या अरुण झूठ बोल रहा था, हाँ या ना। वाज अरुण नॉट लाइंग, क्या अरुण झूठ नहीं बोल रहा था। व्हाट वाज अरुण लाइंग, अरुण क्या बोल रहा था, अरुण झूठ में क्या बोल रहा था, मतलब वो झूठ बोल रहा था तो किस बात की झूठ बोल रहा था, अगर आप ऐसा पूछेंगे तो व्हाट वाज अरुण लाइंग। और अगर हम पूछ रहे हैं क्या अरुण झूठ बोल रहा था, तो आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस वाज अरुण लाइंग करके पूछना चाहिए। इस तरह का सेंटेंस इंटरोगेटिव कहलाता है, हाँ या ना में जब हम आंसर जानना चाहते। हमारा सेकंड सेंटेंस देख रहे हैं, एक सांप कुएं में मर रहा था, तो फिर से देखिए डाई यूज किया है, जिसके साथ में हमें आईई जो है वर्ब का आईई हटाते हुए आईएनजी लगाने से पहले हमें वाई में कन्वर्ट करना होगा, डी वाई आईएनजी में कन्वर्ट होकर के सेंटेंस बनेगा। अ स्नेक वाज डाइंग इन द वेल, एक सांप कुएं में मर रहा था। वाज स्नेक डाइंग इन द वेल, क्या सांप कुएं में मर रहा था, हाँ या ना। अगर आपको नेगेटिव बनाना होता तो स्नेक वाज नॉट कर देते, तो आपका इसका नेगेटिव बन जाता, नॉट लगाने से नेगेटिव बन जाता। हाउ मेनी स्नेक्स वर डाइंग इन द वेल, आप कलर कोड से देखिए, हम पूछ रहे हैं इस बार सांप कितने मर रहे थे, मतलब एक से ज्यादा सांप की बातें कर रहे हैं। हाउ मेनी जब भी यूज किया जाता है फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है वो बहुजन के लिए यूज किया जाता है, मतलब यहाँ पर एक सांप आप नहीं लिख सकते, स्नेक नहीं लिख सकते, आपको स्नेक्स ही लिखना होगा। तो हाउ मेनी स्नेक्स वर डाइंग इन द वेल, कितने सांप कुएं में मर रहे थे। वेयर वाज द स्नेक डाइंग, सांप कहाँ मर रहा था पूछना है, किस जगह पर कहाँ मर रहा था, तो आपको वेयर से पूछना चाहिए, वेयर वाज द स्नेक डाइंग। तो देखिए, हमने यहाँ पर नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डब्ल्यूएच क्वेश्चन बनाया है। आप आईएनजी के नियम देख रहे हैं, जो हमने नियम आपके साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है। आपने वाजवर्ब के जो नियम है वो भी हमने पहले पढ़ा है, वो भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर किया है। आईएनजी के नियम, वाजवर्ब के नियम बहुत जरूरी होते हैं कंटिन्यूस टेंस के अंतर्गत, सही तरीके से ही उन्हें यूज करके लगाना होता है। तो चलिए, हम आपको दिखाते हैं अगला सेंटेंस। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को, इस सेंटेंसेस को फिर से एक बार पढ़ लीजिएगा। आपने अगर हमारा पिछला वीडियो देखा है वाजवर्ब आईएनजी के साथ कंटिन्यूस टेंस में, तो आपने उससे सीखा होगा कि आईएनजी का नियम या पहचान या सूत्र किस तरह से होते हैं। हम आपको दिखाते हैं अगला जो सेंटेंसेस होगा, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बैठा था, खड़ा था, लेटा था, सोया था, आपको जरूर ध्यान से करना है। और उसके साथ ही हमें इस तरह के सेंटेंसेस बनाने होते हैं, और सेंटेंसेस हमारे कुछ सेंटेंसेस होते हैं, रहा था, रही थी, रहते, हम कर रहे हैं पास्ट कंटिन्यूस में वाजवर्ब के साथ आईएनजी में, हमें इन चीज़ों का ध्यान जरूर रखना है। हमारा अगला सेंटेंस है, आसिफ अपने किए पर पछता रहा था, तो जो उसका किया है, जो उसका काम है, उसे डीड कहते हैं। पछताने के लिए हमारा वर्ब होगा रिपेंट, आसिफ वाज रिपेंटिंग ऑन हिज डीड, आसिफ अपने काम पर पछता रहा था। ऑन व्हाट, किस बात पर, किस चीज़ पे पछता रहा था, ऑन व्हाट वाज आसिफ रिपेंटिंग, तो जो उसने कोई काम जो कर दिया है, किस काम पर पछतावा उसे हो रहा था। हम अगर जानना चाहेंगे तो हमारा क्वेश्चन वर्ड होगा ऑन व्हाट वाज आसिफ रिपेंटिंग। आप कलर कोड से सारे सेंटेंसेस को अलग अलग देखते जाइए। नेगेटिव अगर बनाना होता तो आपने देखा है नॉट लगा देते वाज के बाद, तो नेगेटिव बन जाता, आसिफ वाज नॉट करके हम नेगेटिव बना लेते। यहाँ पर हमारा जो अगला सेंटेंस आएगा, यहाँ पर आप क्वेश्चन वर्ड जरूर ध्यान देखिए, क्योंकि क्वेश्चन हमें जीवन में बहुत जरूरी होता है पूछना, और ये सारे सेंटेंसेस कंटिन्यू हैं। हमारा अगला सेंटेंस है, आइसक्रीम वेंडर घंटी बजा रहा था, आइसक्रीम वेंडर वाज टिनटिनाबुलेटिंग, घंटी टन 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 बार बार बजाने के लिए टिनटिनाबुलेट वर्ब होता है। हु वाज डूइंग व्हाट, कौन क्या कर रहा था। आप कलर कोड से देखिए, हमने अलग अलग कलर से आपको दिखाने की कोशिश की कि कौन क्या कर रहा था, कौन
हमने एक ही लाइन में दो क्वेश्चन एक ही साथ पूछने की कोशिश की है कि कौन क्या कर रहा था, ऐसा आप पूछ सकते हैं कौन क्या कर रहा था। हमारा अगला सेंटेंस है इंजीनियर मशीन के बारे में जानकारी दे रहे थे, तो इंजीनियर जो थे हमारे वो भले एक व्यक्ति थे, हमने इंजीनियर को सम्मान देने के लिए यहाँ दे रहे थे बोला है, दे रहा था आप ना कहें क्योंकि वो इंजीनियर है साहब है, तो वहां पर आपने दे रहा था नहीं करके दे रहे थे हमने बोला है। इंजीनियर वॉज गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट मशीन, अबाउट वाट वॉज इंजीनियर इन्फॉर्मिंग, इंजीनियर किस बारे में सूचित कर रहे थे, तो अबाउट वाट किस के बारे में किस विषय में, इंजीनियर वॉज डूइंग वाट, इंजीनियर क्या कर रहे थे, हमें पूछना है इंजीनियर क्या कर रहे थे, तो इंजीनियर वॉज डूइंग वाट आप इस तरह से भी पूछ सकते हैं। इस बार हमने क्वेश्चन वर्ड वाट को पीछे लिया है, आप चाहे तो ऐसा पूछ सकते हैं वाट वॉज इंजीनियर डूइंग, तो इस तरह का क्वेश्चन भी बन सकता है, लेकिन हम कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन वर्ड के जो होते हैं वो पीछे कर सकते हैं। और क्वेश्चन वर्ड के जो लिस्ट है हमने आपके साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है कि क्वेश्चन जो वर्ड्स होते हैं वो किस तरह से हमें यूज करना चाहिए, कैसे हमारे लिए जरूरी होते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये सारी चीजें जरूर देखें। आप इस सारे सेंटेंसेस को एक बार वीडियो स्टार्ट करके जरूर पढ़ लेंगे, देख लेंगे, समझ लेंगे। आपके जो भी डाउट है या आपकी कोई भी प्रॉब्लम हमारे साथ जरूर कॉमेंट बॉक्स में शेयर करें, हम आपको दिखाते हैं अगला सेंटेंस किस तरह से बनेगा। तो हमें ध्यान रखना है कि हमने प्रेजेंट के जो पूरे सेंटेंसेस है प्रेजेंट में इंडिफिनिट कंटीन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस पहले भी पढ़ लिया, हमने वाजवर और हेड के सेंटेंसेस हमारे बेसिक सेंटेंसेस के साथ हमने पहले पढ़ा है, हमने मॉडल में सारे जो सेंटेंसेस है मे कैन शुड मस्ट कुड यूज्ड टू तक के अब तक हमारे चैनल में पढ़ लिया, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के हमारे लेसन को देख सकते हैं। और आज हम पढ़ रहे हैं पास्ट कंटीन्यूअस के सेंटेंसेस, तो चलिए हमारे जो अगले सेंटेंसेस आपके साथ आने वाले हैं आपके स्क्रीन पर, जो हमने अभी हिंदी इस तरह से नेगेटिव इंटरोगेटिव बना रहे हैं। अगला सेंटेंस है हमारा छठवां सेंटेंस है, वे बिना काम के बैठे थे क्या कर सकते थे, तो यहाँ पर हमने मॉडल भी यूज करके आपको दिखाया है, दे वर सिटिंग विदाउट वर्क व्हाट कुड आई डू, तो यहाँ पर हम पूछ रहे हैं मैं क्या कर सकता था, वो तो बिना काम के बैठे थे, व्हाई वर दे सिटिंग, वो क्यों बैठे थे, आप कलर कोड से देखते जाइए, आप धीरे धीरे इसको पढ़ते जाइएगा, हम इसे अगर जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं तो आप इसे आराम से पढ़िएगा, आपकी प्रैक्टिस के साथ भी आप इसे हर सेंटेंसेस को अंग्रेजी के सेंटेंस को जल्दी जल्दी पढ़ पाएंगे। तो हमारा अगला सेंटेंस आपके स्क्रीन पर है, वे चोर जंगल में सोए थे, तो देखिए हमने कहा था आपको कि बैठा खड़ा सोया लेटा इस तरह के सेंटेंस भी कंटिन्यूस होते हैं, दोज थीव्स वर स्लीपिंग इन द जंगल, विच थीव्स, कौन से चोर सोए थे, हमें पूछना है कौन से चोर सोए थे, विच थीव्स वर स्लीपिंग इन, हम पूछेंगे कि जंगल में कौन से चोर सोए थे। मिस्त्री सीमेंट व रेत से चबूतरे को ठीक कर रहा था, घर के जो प्लेटफॉर्म होते हैं जैसे किचन में कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है, तो मिस्त्री वाज रिपेयरिंग प्लेटफॉर्म विद सीमेंट एंड सैंड, तो यहाँ पर आप मिस्त्री को मिस्त्री बोल दीजिए, मिस्त्री वाज रिपेयरिंग रिपेयर कर रहा था, व्हाट वाज मिस्त्री रिपेयरिंग, मिस्त्री क्या रिपेयर कर रहा था, मिस्त्री वाज डूइंग व्हाट, हम ऐसा पूछ सकते हैं कि मिस्त्री क्या कर रहा था, और हमने जैसे ऊपर पूछा है व्हाट वाज मिस्त्री रिपेयरिंग, मिस्त्री क्या रिपेयर कर रहा था, विथ व्हाट किस चीज़ से किस वस्तु से वो प्लेटफॉर्म को रिपेयर कर रहा था, मतलब सीमेंट की जगह या रेती की जगह क्या यूज़ कर रहा था, तो विथ व्हाट वाज मिस्त्री रिपेयरिंग प्लेटफॉर्म। देखिए हमने आपको अभी तक के 8 सेंटेंसेस के नेगेटिव इंटरगेटिव डब्ल्यूएच क्वेश्चंस किस तरह से अलग अलग दिखाने की कोशिश की है, आप नेगेटिव बनाने के लिए नॉट यूज़ कर सकते हैं, इंटरगेटिव बनाने के लिए आपको वाज वर्ब जो आपका हेल्पिंग वर्ब है उसे सामने ला करके सेंटेंसेस यूज़ करना चाहिए। आप सारे सेंटेंसेस को फिर से एक बार जरूर देख लीजिएगा। हम बनाते हैं अगले सेंटेंसेस के नेगेटिव इंटरगेटिव जो किस तरह से होंगे। आपने अभी तक हमारे साथ पढ़ा है हिंदी की मात्राओं को हमें बहुत ध्यान से रखना चाहिए, जब हम पास्ट के सेंटेंस पढ़ रहे थे हमें जब नेगेटिव बनाना होता है पास्ट सेकंड फॉर्म के साथ में पास्ट सिंपल पास्ट में, तो हमें डिड के साथ सेकंड फॉर्म का यूज नहीं करना चाहिए। तो चलिए हम पास्ट कंटीन्यूअस के अगले सेंटेंस देखते हैं जो आपके स्क्रीन पर आ गए हैं। हमारा नौवां सेंटेंस अगला सेंटेंस था, एक मैकेनिक अलार्म लगा रहा था, तो यहाँ पर लगाने के लिए इंस्टॉल वर्ब यूज होना चाहिए, अ मैकेनिक वाज इंस्टॉलिंग अलार्म, अ मैकेनिक वाज नॉट इंस्टॉलिंग अलार्म, नेगेटिव बना दिया हमने इस बार, वाज अ मैकेनिक इंस्टॉलिंग अलार्म, क्या मैकेनिक अलार्म लगा रहा था, व्हाट वाज मैकेनिक इंस्टॉलिंग, मैकेनिक क्या लगा रहा था, मैकेनिक क्या कर रहा था, अगर पूछना है तो जैसा हमने देखा है पार्ट से हम इस तरह का क्वेश्चन बना पाएंगे। अब आपके लिए अगर आपने हमारे इस चैनल को इस वीडियोस को शुरू से देखा हुआ है तो आपने जाना होगा कि नेगेटिव इंटरगेटिव हमने किस तरह से हर बार बनाया है, हर तरह से बनाया है। हमारा आखिरी सेंटेंस है इस वीडियो में, एक धूमकेतु पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा था, चक्कर लगा रहा था, कॉमेट वाज रोटेटिंग अराउंड द अर्थ, व्हाट वाज रोटेटिंग व्हाट, हम पूछना चाहेंगे क्या चीज़ किसके चारों ओर चक्कर लगा रही थी, इस तरह से अगर आप पूछना चाहेंगे क्या किसके चारों ओर चक्कर लगा रहा था, कौन किसके चारों ओर घूम रहा था, तो आप व्हाट इज रोटेटिंग व्हाट से पूछ सकते हैं। देखिए एक ही साथ हमने दो क्वेश्चन को यूज कर लिया है, विथ व्हाट स्पीड वाज कॉमेट रोटेटिंग, किस स्पीड से कितनी स्पीड से अगर वो घूम रहा था पूछना है तो विथ व्हाट स्पीड से हम क्वेश्चन बनाएंगे, विथ व्हाट स्पीड वाज द कॉमेट रोटेटिंग, अराउंड व्हाट वाज द कॉमेट रोटेटिंग, किस चीज के चारों ओर वो चक्कर लगा रहा था, वो वस्तु क्या चीज थी, जैसे यहाँ पर पृथ्वी के चारों ओर, तो किसके चारों चक्कर लगा रहा था, अगर आपको ऐसा पूछना है
अराउंड व्हाट वाज द फॉर्मेट रोटेटिंग। तो इस सारे चीजों के लिए आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि आपको क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं, क्वेश्चन के शब्द होते हैं, डब्ल्यू जिसे हम वर्ड कहते हैं, उसका जानकारी होना बहुत जरूरी है, जो हमने आपके साथ में लिंक बॉक्स में शेयर किया। हमने पहले भी हर बार हर तरह के क्वेश्चन हमारे प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं, हमने बनाया। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को फिर से एक बार स्टार्ट करके देख लीजिए। अगर आप चैनल में हमारे नए हैं तो आप हमारे चैनल के सारे वीडियोस को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे किस तरह से हमें सेंटेंस हिंदी से इंग्लिश के माध्यम से हम सीख रहे हैं यहाँ पर इंग्लिश। तो चलिए, हम नया वीडियो बनाने के लिए अब तैयारी करते हैं। आप हमारे साथ इसी तरह से सीखते रहिए। कीप वॉचिंग सरल इंग्लिश गुरु, स्टेप टुवर्ड्स इंग्लिश वर्ड। सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक एंड कॉमेंट, प्रेस बेल आइकॉन सो दैट यू कैन गेट लेटेस्ट वीडियो। शेयर योर नॉलेज विद अस, मेक योर ग्रुप लार्जर एंड बेटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।